प्रदेश में आज फिर से बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। अगले चार दिन तक प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में मानसून सक्रिय होने और कुछ इलाकों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाकों सक्रिय परिसंचरण तंत्र के असर से हाड़ोती अंचल समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय, बरसेंगे मेघ। बीते 5 दिन में प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मानसून सुस्त है। बारिश के थमे दौर के साथ ही पारे का मिजाज गर्म रहा, वहीं उमस से भी लोग परेशान रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों से होकर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में सर्कुलेशन सिस्टम बन रहा है, जिसके असर से आज से अगले 4 दिन तक 10 से ज्यादा जिलों में मानसूनी गतिविधियां तेज होने और बारिश के आसार हैं। बारिश दिलाएगी गर्मी उमस से राहत। बीते 5 दिन से बारिश नहीं होने पर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। हवा में आर्द्रता बढ़ने से उमस भी परेशानी का कारण बनी हुई है। वहीं आज से फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होने पर गर्मी और उमस से राहत मिल सकेगी। इन जिलों में झमाझम बारिश के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर समेत भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं बारा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। बिसलपुर डैम में पानी की आवक स्थिर। जयपुर की लाइफलाइन बिसलपुर डैम में पानी की आवक फिलहाल स्थिर है, यानी डैम में जितना पानी आ रहा है ठीक उतनी ही मात्रा से जयपुर, अजमेर और टोंक जिले को जलापूर्ति हो रही है। बीते 3 दिन में डैम का जलस्तर 313.47 आरएल मीटर पर ठहरा हुआ है। गौरतलब है कि जलापूर्ति होने पर डैम से रोजाना 1 सेमी जलस्तर कम होता है, लेकिन बीते 3 दिन से डैम में पानी की आवक के बराबर योजना जलापूर्ति भी हो रही है। डैम की कुल जल भराव क्षमता 315.50 आरएल मीटर है। ऐसे में अब भी डैम छलकने से 2.3 आरएल मीटर दूर है।